अच्छा ये बता कि कितने तरीके से शॉर्ट सेलिंग हो सकती है? शॉर्ट सेलिंग हम सभी तरीके से नहीं कर सकते। जैसे हम शेयर को बाय करते हैं, ऐसे हम शेयर को डिलीवरी में शॉर्ट करके मुनाफा नहीं कमा सकते। शॉर्ट सेलिंग करने के लिमिटेड तरीके होते हैं। एक तो हम शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में कर सकते हैं, और एक हम शॉर्ट सेलिंग डिलीवरी में नहीं कर सकते। जैसे डिलीवरी में हम शेयर को बाय करके मुनाफा करते हैं, ऐसे ही हम शेयर को बेच करके उससे मुनाफा नहीं कर सकते। अगर डिलीवरी में हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है तो हमें फ्यूचर का सहारा लेना पड़ेगा। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक प्रकार का शेयर ही होता है, तो हमें किसी भी शेयर का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट उसको हमें बेचना होगा, यानी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और एक तरीका और है, हम ऑप्शन के माध्यम से भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जैसे पुट को बाय करके, कॉल को बाय करा, इसका मतलब हम कॉल को इसलिए बाय करें क्योंकि हमें लग रहा है भाव ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए कॉल को हम बाय कर रहे हैं। लेकिन कॉल को हम पुट को बाय कर रहे हैं, इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगा तो इसलिए हम उसमें हमें मुनाफा होगा, हम यानी हम मंदी देख रहे हैं किसी भी शेयर में या इंडेक्स में, इसलिए हम उस शेयर या इंडेक्स पुट को बाय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो यानी शॉर्ट सेलिंग को हम नॉर्मली तीन प्रकार से कर सकते हैं, एक तो इंट्राडे में, एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। शॉर्ट सेलिंग हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, एक तो इंट्राडे में, एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को बेच करके, और एक पुट को बाय करके।